नमस्कार, मैं रविश कुमार। नौकरियां नहीं है ये त्रासदी तो है, लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी है रोजगार मुद्दा नहीं है। लाखों की फीस देकर जो नई पीढ़ी अलग अलग प्रोफेशनल संस्थानों से निकल रही है वो कहां जाए। कोविड-19 के दौर में इस नई पीढ़ी पर बहुत मार पड़ी है। जो लोग नौकरियों में थे उनकी तो नौकरी ही चली गई, इसके बाद भी रोजगार मुद्दा नहीं है। राजनीति का ऐसा समय जब बेरोजगारी चरम पर हो और मुद्दा ना हो तो वह नेता बनने के लिए कमाल का समय होता है, क्योंकि वह आसान होता है। ऐसा नहीं है कि नौजवानों ने कोई कसर छोड़ी हो, उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया है, अखबारों ने भी छापा है, टीवी ने भी दिखाया है। अगर मीडिया ने नहीं भी दिखाया तो मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर लाखों की संख्या में ट्वीट किए गए हैं। पर असर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राजनीति अब जनता के नियंत्रण में नहीं रही। इसका मतलब यह हुआ कि जनता नहीं तय कर पा रही है कि नेता या मंत्री क्या बात करें, बल्कि माहौल बनाने का सिस्टम तय करता है कि जनता किस पर बात करेगी। इसलिए नौजवानों की संख्या भले करोड़ों में हो, मगर यह संख्या अब किसी काम की नहीं है। नौजवानों को यह बात समझ में आ रही है कि लाखों की संख्या में ट्रेंड कराने और अनगिनत मैसेज भेजने के बाद भी कुछ नहीं होता है। दरअसल भारत की राजनीति में युवाओं का हर प्रकार का रोल समाप्त हो गया है, सिर्फ वायरल और फॉरवर्ड करने को छोड़कर। देश का नौजवान रोजगार के मुद्दे को लेकर रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल पर रोज संघर्ष कर रहा है। 3 जुलाई को जब पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि कोरोना आपदा के बाद देश में स्थिति सामान्य होने लगी है, औद्योगिक क्षेत्रों में कामगारों का लौटना शुरू हो गया है, साथ ही चलने वाली ट्रेनों में बुकिंग 100% से भी अधिक है, तो आप उस ट्वीट के नीचे आए कमेंट को देख सकते हैं। नौजवानों के ऐसे कमेंट का शायद ही मंत्री जी जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मार्च 2019 में रेलवे ने NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी के फॉर्म भरे गए थे जो फरवरी में निकले थे। उसके बाद से ये नौजवान रोज पूछते हैं कि पैसे देकर फॉर्म भरा है, परीक्षा कब होगी ये तो बता दीजिए। फॉर्म भरने वालों के पास एक ही काम है, सुबह उठकर मंत्री और पत्रकारों को ट्वीट करना कि इनकी आवाज उठा दें, बता दें परीक्षा कब होगी। NTPC के पहले चरण की परीक्षा एक कंप्यूटर एग्जाम है जिसका नाम है CBT 1, फरवरी 2019 के जिस रिलीज पर छात्रों ने मार्च में फॉर्म भरे उसमें लिखा था कि CBT 1 की परीक्षा जून सितंबर 2019 के बीच होने की संभावना है। 18 जून 2020 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में रेलवे का बयान छपता है कि NTPC की जिन 35,000 पोस्ट पर 1.25 करोड़ एप्लीकेशन आए हैं उनके इम्तिहान की काफी तैयारी कोरोना महामारी के फैलने से पहले हो चुकी थी, मगर कोविड के कारण तैयारी रोकनी पड़ी। तो क्या जिस इम्तिहान के लिए सितंबर 2019 को अपर लिमिट बताया गया था उसके गुजर जाने के 6 महीने बाद भी इम्तिहान होना तो दूर, उसकी तैयारी भी पूरी नहीं की जा सकी? जबकि इन्हें पता है कि लोको पायलट की परीक्षा तो हो ही गई थी, रिजल्ट भी आ गया था, लेकिन एक साल से करीब दिसंबर 2019 से ही बहुत सारे नौजवानों को नियुक्ति का इंतजार करना पड़ रहा है, उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मंत्री जी की टाइमलाइन से पता चलता है कि ये नौजवान रेलवे के निजीकरण के खिलाफ भी लिख रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि इसका मतलब है नौकरियों का कम होना, और अब तो रेलवे ने ऐलान ही कर दिया है कि सेफ्टी को छोड़कर नई भर्तियां नहीं होंगी। हम लोग बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चकियन का निवासी हूं, और हम लोग विगत 2014 से रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस समय 2014 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 3,000 से 4,000 पोस्टों की कमी कर दी गई थी। इस वजह से हम लोग का जो तीनों आदमी का या और भी साथी का मेरिट में थे वो बाहर हो गए। तो अब फिर अभी नया वैकेंसी जो आया है, एक साल पहले जो आया है, लोकसभा चुनाव से पहले आया, तो
उसमें भी ऐसा कहा जा रहा है कि पोस्ट को फ्रीज करने किया जा रहा है और निजीकरण किया जा रहा है रेलवे को। कायदे से तो एग्जाम होना चाहिए, एडमिट कार्ड जारी होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का लुभावना ऑफर था, युवाओं को अपने तरफ आकर्षित किए, उसके बाद अब एग्जाम होना चाहिए कायदे से, लेकिन फ्रीजिंग हो रहा है। फ्रीजिंग क्या होता है हम लोग समझ में नहीं करते हैं। हम लोग का लाइफ फ्रीज हो रहा है और ये लोग वैकेंसी फ्रीज कर रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आता कि युवाओं की क्या दशा है। पिछले कई सालों से मैं रेलवे का विद्यार्थी रह चुका हूँ, रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पटना रेलवे की तैयारी कर रहा था, पिछले 2-3 महीने से लॉकडाउन हुआ तो मैं यहाँ घर पे चला आया, और यहीं मंदिर, मेरे पीछे मंदिर है, चीनी मिल है जो कि चालू नहीं है, पीछे मंदिर है वहीं पर मैं ग्रुप करता हूँ। और पिछले कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया कि 150 से ज़्यादा ट्रेन चलेंगी और उसमें कोई वैकेंसीज की पोस्ट नहीं आएंगी। प्राइवेट ट्रेन चलेगी और उसकी कोई वैकेंसीज की पोस्ट नहीं आएगी। अतः सरकार से निवेदन है कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाए, और इसका एक्सपेक्टेड डेट था सितंबर अक्टूबर 2019 और आज 6 जुलाई 2020 आ चुकी है, अभी तक इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया। कोविड-19 के दौर में कहा जा रहा था कि हेल्थ सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी, जाने कितने अस्पतालों में हेल्थ वर्करों के अनगिनत पद खाली, उनके भरे जाने के किसी भी अभियान के बारे में आपने सुना हो तो मुझे भी बताइएगा, अपवाद छोड़कर। आलम यह है कि जो अभी काम कर रहे हैं उन्हीं को समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के ट्विटर हैंडल से आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन 4 महीनों में सरकारी हेल्थ सेक्टर में कितनी नौकरियां आई हैं। नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट से लेकर लैब टेक्नीशियन की भर्ती हो रही हो ऐसा भी नहीं है। भारत में रोजगार के बारे में बात करने की समस्या ये है कि आधिकारिक डेटा नहीं है, आंकड़ा नहीं है। खाते में पैसा तो ट्रांसफर हो जाता है, वो डिजिटल इंडिया है, मगर किस किस की नौकरी गई है इसका रियल टाइम आंकड़ा नहीं दिया जाता है, ये डिजिटल इंडिया नहीं है। सरकारी सेक्टर में अगर नौकरियां बंद होने लगेंगी तो फिर नौजवान कहां जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर का हाल वैसे ही बुरा है। स्कूलों का कारोबार हर तरह की मंदी से फूल प्रूफ था, कोई असर नहीं पड़ता था, लगता था कि इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है, मगर इस वक्त प्राइवेट स्कूल भी वेतन नहीं दे पा रहे हैं। बेहिसाब संख्या में प्राइवेट टीचर घर पर बैठे हैं, 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिली है और आगे भी नहीं मिलेगी, बहुतों की नौकरी जा चुकी है। दिल्ली के 8,000 से लेकर 9,000 शिक्षक जो उत्तरी दिल्ली नगर में काम करते हैं, जिन्होंने कोरोना की ड्यूटी भी दी, अब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें कोरोना योद्धा भी कहा है, उन शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। हमने धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, काली पट्टी अभियान, ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक, सब जगह हर संभव तरीका अपनाया, यहाँ तक कि हमने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी को, हजारों शिक्षकों ने मेल्स भी लिखी है हमारी आवाज़ सुनने के लिए, हमारी समस्या सुनने के लिए। DPS मैनेजमेंट ने बिना किसी कारण के हमें 26 जून को नोटिस देकर के 3 महीने की निकाल दिया गया। ये और स्कूल मैनेजमेंट से जब हम लोग इस बारे में पूछ रहे हैं तो उनके पास किसी तरीके का कोई कारण नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई वो जवाब दे रहे हैं, ना हमारी बातों का वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना ही कुछ कह रहे हैं। इन 17 सालों में स्कूल के कई फाउंडर टीचर ने बहुत कुछ काम किया, जहाँ 650 बच्चों से इस स्कूल की शुरुआत हुई थी वो अब 6,500 बच्चों के गिनती में पहुंच चुका है। जिस टीचरों ने अपने बच्चों को बहुत कुछ दिया, उन टीचरों को ये कहा गया कि हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब उनके बच्चे उन टीचरों के स्कूल में पढ़ने लायक हुए तो उनको कहा गया कि आपको स्कूल को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो ये पैंडमिक सिचुएशन है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आजकल रोजगार की सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और ऐसे में जो इस देश के निर्माता हैं,
जो इस देश के भविष्य निर्माता हैं उन्हीं को आपने सड़कों पर लाके मजबूर कर दिया। आप किसी भी सेक्टर की तरफ देखिए, उदासी नजर आएगी। कोचिंग सेक्टर भी बजबजाता रहता था, खूब कमाई वाला सेक्टर, लेकिन कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले टीचर भी सैलरी के लिए तरस गए। कोचिंग वालों का कारोबार ठप हो चला है। ये वो सेक्टर था जिसके छात्र एक खास तरह की परीक्षाओं की तैयारी में दिन रात खपे रहते थे। अब जब धंधा चौपट हुआ है तो ये लोग पत्रकारों को खोज रहे हैं कि कौन इनकी बात उठा देगा। जब पत्रकार ही खत्म हो रहे थे तो इन्हें होश नहीं था। वैसे पत्रकारों की भी नौकरियां जा रही हैं, उनकी भी सैलरी कम हुई है। जाहिर है सभी कोचिंग एक तरह के नहीं होते। कम आर्थिक आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए कोचिंग अलग है, उसका हाल अलग है। माँ बाप की आमदनी घटी है तो कोचिंग की फीस पर भी असर पड़ा है। कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, बकाया वेतन भी नहीं मिला और निकाल दिया है। कई शिक्षकों के वेतन 1.5-1.5 लाख रुपए तक बाकी हैं। कोचिंग पढ़ाने वाले सारे शिक्षक करोड़पति नहीं होते, बहुतों का गुजारा महीने की कमाई से ही चलता है। ये पूरा क्रम टूट गया है। मैं सरकार से, मेरा एक प्रश्न है सर, आपके माध्यम से उन तक पहुंचना चाहता हूं कि वो सरकार मेरी कहते है कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन कैसे बने? 5 महीना से रेंट बाकी है, 1 रुपया नहीं आता है। आप बिजली बिल भेज देते हैं, कहाँ से पे करें? सब्जी कहते हैं खरीदो जाके, कहाँ से सब्जी खरीदें? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दूध चाहिए, कहाँ से पैसा लाएं? मकान मालिक परेशान करते हैं कि भाई रेंट दीजिए, कहाँ से रेंट दें? आज नहीं दीजिए, कल दीजिए, ये भी बात हो रही है, कहाँ से दे पैसा? आप ये शिकायत कर सकते हैं कि मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन क्या ये दावा कर सकते हैं कि सरकार को नहीं पता है? 4 महीने गुजर गए हैं, 24 मार्च को तालाबंदी हुई थी। हमारे पास दुनिया के अनेक देशों से उदाहरण आ चुके हैं कि वहां प्रोफेशनल फ्रीलांस करने वाले, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों से लेकर नौकरी करने वालों को कितना कितना भत्ता दिया जा रहा है। बस वहां भत्ता दिया गया है और यहां व्हाट्सएप में मीम दिया जा रहा है, उसमें भी नेहरू जी का फोटो लगाकर। किसी को नहीं पता कि सरकार से चाहिए क्या। सब चाहते हैं कि उनकी बात नहीं हो रही है। सरकार ने भी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वह प्राइवेट टीचर से लेकर आम कलाकारों तक कोई भत्ता, उनके लिए कोई भत्ता देने वाली है। जैसे अमेरिका में $1200 का बेरोजगारी भत्ता दिया गया है, जिसके बारे में कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ये नागरिक चेतना का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। व्यक्तिगत करदाता को अमेरिका में $1200 का पैकेज दिया गया है। अगर पति पत्नी करदाता हैं तो उन्हें $2400 मिले हैं। घर में बच्चे हैं तो उसके हिसाब से $500 अलग से। बेशक इसके लिए आयकर रिटर्न की राशि की सीमा भी तय की गई है। जून में करीब 4 करोड़ अमेरिकी लोगों को यह भत्ता मिला था। भारत में इस तरह की बात नहीं है। बात होगी भी तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड में एक मैसेज आ जाएगा कि अमेरिका से तुलना नहीं कर सकते, भारत की आबादी सबसे बड़ी समस्या है। बहुतों के दिमाग में यह घुसा दिया गया है कि यही कारण है, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि आबादी लाभांश है, प्लस पॉइंट है, यानी डिविडेंड। लेकिन एक बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने समझा दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल युवाओं को समझना चाहिए कि टीवी या अखबार में भर्ती की खबर अनगिनत बार छप चुकी है, एक और बार छप जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इतना तो समझिए कि नई पीढ़ी का क्या होगा जिसने लाखों रुपए स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई पर फूंक दिए। ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट और गहराई से समझने का मौका देती है। यह रिपोर्ट एमिली कैडमैन और सिबलिया ग्रास की है। इसमें दिखाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सहित कई देशों में बेरोजगारों के लिए आर्थिक पैकेज दिए गए, लेकिन इसके बाद भी 1996 के बाद पैदा हुई नई पीढ़ी, जिसे जनरेशन जेड कहते हैं, उसे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि हाल के दशक में कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल नौकरियां ज्यादा हो गई थी। आर्थिक पैकेज की शर्तों के अनुसार 15 से 24 साल के युवा इसके दायरे से बाहर हो गए। उन पर ज्यादा पड़ी मार तो 24 से 44 साल के लोगों पर भी पड़ी, लेकिन 24 साल तक के युवाओं की आबादी का 1/3 हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में पैकेज के दायरे से बाहर हो गया, जहां 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज दिया गया है।
इसके बाद भी 15 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी 16% बढ़ गई है, जबकि 25 साल से ऊपर के नौजवानों में बेरोजगारी 5.5%। ब्रिटेन में 18 से 24 साल के नौजवानों में एक तिहाई ने अपनी नौकरी खो दी है, 35 से 45 साल की तुलना वाले नौजवानों के। भारत में बगैर राजनीतिक प्रवक्ताओं के आप रोजगार पर बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वे आएंगे बहस करने रोजगार पर, लेकिन तुरंत बहस को ले जाएंगे लद्दाख पर। नतीजा, राजनीतिक प्रवक्ता रोजगार पर बात करने से बच जाते हैं। दूसरी तरफ लोगों को जब बात करने का मन करता है, ख्याल आता है कि बेरोजगारी है, पैसे आए नहीं है, तो व्हाट्सएप में कुछ और फॉरवर्ड आ जाता है जिसमें नेहरू की तस्वीर होती है, लोग उसमें उलझ जाते हैं। भारत में रोजगार के मुद्दे को मात्र 5-6 मीम की सप्लाई से आप 2 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। आखिर क्यों 9 जून से 29 जून के बीच 20 लाख लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ के खाते से पैसे निकालने पड़े हैं? यह वो समय है जब नौकरी की आस धुंधली हो गई है और सैलरी मिलने की प्यास बढ़ गई है। बड़ी संख्या में लोगों को 4-4 महीने का पगार नहीं मिला है। लाइव मिंट के प्रशांत नंदा की यह रिपोर्ट बता रही है कि 1 अप्रैल से लेकर 55 लाख लोगों ने कर्मचारी भविष्य निधि से पैसे निकाले हैं। ये वो लोग हैं जो सैलरी पाते थे। प्रशांत नंदा की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 हफ्ते से हर दिन 1 लाख लोगों ने ईपीएफओ भविष्य निधि से पैसे निकाले हैं। अगर नौकरी होती तो क्या लोग अपने भविष्य के लिए रखे गए बचाए गए इस पैसे को निकालकर खाते? रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 50 हजार तक कमाने वालों ने भी बड़ी संख्या में पैसे निकाले हैं। यह वो तबका है जिसकी नौकरी जाने के बाद मिलने के आसार कम हो गए हैं। इसके बाद भी भारत में रोजगार पर बात नहीं हो रही। जिनकी नौकरी गई है वो शायद अगली नौकरी मिलने की आस में नहीं बोले, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का ये डेटा बता रहा है कि वो लोग किस हालात से गुजर रहे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं। आप अपने आसपास देख सकते हैं, क्या लोग अपार्टमेंट छोड़कर दूर के इलाके में जा रहे हैं जहां किराया और भी कम हो? इसका कोई निश्चित डेटा नहीं है, मगर सुनने को मिल जाता है इक्का दुक्का उदाहरणों से, प्रसंगों से। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का नया डेटा आ गया है। तालाबंदी खुलने के बाद जून में लोगों को काम वापस तो मिला है, मगर पिछले साल जून की तुलना करें तो अभी भी 30% कम मिला है। जून में 7 करोड़ लोगों को काम मिला है, यानी वापस लौटा है काम उनके पास। इनमें से 4.5 करोड़ छोटे दुकानदार हैं, कारोबारी हैं और दिहाड़ी मजदूर हैं, यानी 63% काम असंगठित क्षेत्र में ही लौटा है। लेकिन दुकानों के खुल जाने का यह मतलब नहीं कि खरीदारी बढ़ने लगी है। स्वरोजगार वाले लोग हैं, अपनी दुकान जो बंद थी वो बस अब खोल ली है, वहां बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि धंधा फिर से चालू हो गया है, उसी तरह से चालू हो गया है। हमें देखना होगा कि महानगरों में असंगठित क्षेत्र में जो रोजगार लौटा है उसकी प्रवृत्ति क्या है, गांवों में क्या है। सैलरी वाले क्लास में काम की वापसी की प्रक्रिया बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। CMIE के डेटा के अनुसार अप्रैल में सैलरी वाली 1.77 करोड़ नौकरियां चली गई थी, मई में यह संख्या बढ़कर 1.78 करोड़ हो गई। जून में 39 लाख सैलरी वाली नौकरियां वापस आ चुकी हैं, लेकिन ये वृद्धि न्यूनतम है। जून में 7 करोड़ काम वापस मिलने लगे हैं, लौटे हैं इनमें से 5.5% ही सैलरी वाली नौकरियां हैं, जबकि हर तरह के काम में सैलरी वाली नौकरी का हिस्सा 21.3% है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के महेश व्यास जी, जिनका डेटा समय समय पर रोजगार को लेकर आता रहता है। महेश जी, आपका ये रिपोर्ट देख रहे थे आपकी, हम यही जानना चाहते हैं कि जो आपने बताया है कि जो सैलरी वाला सेक्टर है
उसमें नौकरियां कम वापस आई हैं। हम थोड़ा और डिटेल जानना चाहते हैं कि जिनकी नौकरियां वापस आई हैं क्या वो उसी सैलरी पर काम कर रहे हैं, और जिनकी नहीं आई है उसकी अनुमानित संख्या क्या होगी? जो नौकरियां वापस आई है, हमारा ये अनुमान है, ठोस डेटा नहीं है अभी तक, वो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन हमारा ये अनुमान है कि जो नौकरियां वापस आई हैं या जिनका कारोबार वापस शुरू हुआ है उनकी आमदनी जरूर घटी ही होगी, क्योंकि इकोनॉमी ने इतना अभी तक जोर नहीं पकड़ा है या उतना इकोनॉमी शुरू नहीं हुआ है कि सारे लोगों को नौकरियां उसी वेतन पर दिया जाए जितना कि पहले मिलता था। तो हमारा ये अनुमान है कि लोगों की मजबूरी थी कि 2 महीने तक नौकरी नहीं मिलने के बाद में कम वेतन पर भी काम करने को वो राजी हुए हैं। इसका सही अनुमान तो हमें केवल अगस्त के महीने में मिलेगा जब ये डेटा कलेक्ट होकर के बाहर आएगा, लेकिन अभी केवल इतना कह सकते हैं कि लोगों को नौकरियां मिली है या उनको रोजगार मिला है, लेकिन वो वेतन शायद उतना नहीं होगा जितना पहले मिलता। एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं कि क्या आपके डेटा में ये झलक रहा है, ये बात झलक रही है कि नई नौकरियां कितनी हैं? जैसे हमने ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट देखी कि ऑस्ट्रेलिया में या ब्रिटेन में जो 15 से 24 साल वाले लोग हैं, एक है असंगठित क्षेत्र वाले काम और एक है सैलरी वाला काम, जिसके लिए भारत के एक तबके का ज़्यादातर बच्चा प्राइवेट स्कूलों में जाता है, महंगी फीस देता है, फिर प्रोफेशनल कोर्स करता है, उस सेक्टर के लिए सैलरी वाली नौकरियां जिसको करियर कहते हैं उसके स्वरूप में कोई चेंज दिख रहा है, लग रहा है कि वो लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं? कम से कम भारत में तो ये हाल है कि नौकरियां जो पहले आई हैं वो करीब करीब पूरी की पूरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ही आई है। तो जैसे हमने देखा कि मई के महीने में करीब 2 करोड़ नौकरियां वापस आई, 122 मिलियन यानी कि 12 करोड़ नौकरियां घटने के बाद अप्रैल में, मई में 2 करोड़ नौकरियां वापस आई, उनमें से 1.4 नौकरियां 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के इनफॉर्मल जॉब्स की ही थी, और जो सैलरीड जॉब्स थी मई के महीने में वो और घट गई, मतलब कि पहले 17.7 मिलियन या 1.77 करोड़ जॉब्स गई थी, वो 1.78 करोड़ जॉब्स हो गई मई के महीने। अब जून में हम ये पाते हैं कि नौकरियां काफी वापस आई है, हमें कहना चाहिए कि नौकरी तो नहीं लेकिन रोजगार काफी वापस आ गया, नौकरी तो उसकी जो सैलरी जॉब वाले जो रोजगार वापस आया है वो मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। 7 करोड़ नौकरियां वापस आई हैं या 7 करोड़ रोजगार वापस आए हैं, उसमें से 4.4 करोड़ फिर से इनफॉर्मल जॉब्स ही है। सैलरी जॉब्स जो है वो बहुत कम, केवल करीब 39 लाख नौकरियां वापस आई, तो अब भी वही लोगों को नौकरी मिल रही है या रोजगार मिल रहा है जिनको नौकरी नहीं ढूंढनी पड़ती है, उनको केवल दोबारा ठेला लगाना पड़ता है। तो पहले मैं ठेला नहीं लगा सकता था क्योंकि पाबंदी थी, लॉकडाउन था, अब ये पाबंदी हट गई है तो मैंने ठेला दोबारा लगा लिया, या मैंने मेरी पान बीड़ी की दुकान दोबारा शुरू कर दी, या मैंने वो जो छोटा मोटा काम था मैं करता था प्लम्बर का या कूली का वो दोबारा करना शुरू कर दिया, मैंने हमाली का काम दोबारा शुरू कर दिया। तो ये जो इनफॉर्मल रोजगार है वो खास करके वापस आया है, जो नॉर्मल नौकरियां है वो उतनी वापस नहीं आएंगी। और इस इनफॉर्मल असंगठित क्षेत्र के रोजगार में भी क्या ये उभर कर आ रहा है कि उन्होंने ठेला तो लगा लिया है, दुकानें तो खोल ली है कपड़े की या मिठाई की, लेकिन कोई खरीदार नहीं है? एनेक्डोटल एविडेंसेस जो हमें मिल रहे हैं, जो हमें खबरें मिल रही हैं हमारे फील्ड स्टाफ के जरिए, वो यही बताती है कि दुकानें तो खुली है कुछ कुछ शहरों में,
लेकिन रोज मतलब वो जो खरीदार हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो नहीं दिखाई देते हैं, तो वाजिब है कि तो आमदनी कम ही होगी। दुकान तो खोल दिए हैं लेकिन कोई खरीदार है। आपके डेटा में ये भी है कि गांव में खेती में काफी मजदूरी बढ़ी है, मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले वर्षों की तुलना में कितनी बढ़ी है, और जब ज़्यादातर लोग लौट कर गए तो खेती के प्रतिशत में कितना ज़्यादा वृद्धि हुआ होगा धान की रोपनी में, और क्या इसका असर मजदूरी के दर पर भी पड़ा, जैसे खेती में काम तो मिला लेकिन मजदूरी घट गई। काफी फर्क पड़ा है इसके अंदर। पूरे ग्रामीण क्षेत्र को देखें या केवल एग्रीकल्चर को देखें, दोनों तरफ से वहां पर काफी सुधार हुआ है। दो कारण हैं उसके। पहली बात तो ये है कि जून के महीने में जब 7 करोड़ नौकरियां वापस आई तो उनमें से करीब 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार जो था वो फार्मिंग सेक्टर में था, तो वहां पर काफी ग्रोथ हुआ है ये फार्मिंग सेक्टर में। उसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा है क्योंकि सरकार ने मनरेगा के जरिए से काफी नौकरियां दी हैं। मई के महीने में 56 करोड़ पर्सन डेज की नौकरियां उपलब्ध की गई थी और ये एक रिकॉर्ड है। ये किसी भी महीने में आप देख लो उसके उसके तुलना में ये करीब करीब दुगना है। मई में जितना रोजगार मनरेगा में दिया गया उससे आधा भी बहुत कम, एक दो महीने है जहां पर ऐसा दिया गया। फिर जून में दोबारा बहुत सारी नौकरियां दी गई, बहुत सारे रोजगार के अवसर खोले गए मनरेगा के जरिए तो मनरेगा का इतना ज्यादा ग्रोथ होना मई में और जून में एक कारण है ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में, रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के तो जो हमने देखा है। दूसरा कारण ये है कि इस जून के महीने में जो खरीफ क्रॉप की सोइंग जो हुई है वो पिछले साल के मुकाबले दुगना है, और ये काफी प्रांतों में हमने देखा है, तेलंगाना में है या और भी काफी जगहों में है, झारखंड में भी है, काफी जगह जहां पर पहले इतना सोइंग नहीं होता था जून के महीने में वो अब बहुत बढ़ गया है। तो ये सोइंग का बढ़ जाना और मनरेगा का जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाना, इन दोनों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये अस्थाई है, देखना होगा कि जुलाई में कितना ये कंटिन्यू करता है, और मजदूरी पर भी असर पड़ा है। महेश जी, आप इतने लंबे समय से 2-3 सालों से रोजगार के क्षेत्र में आ रही गिरावट का अध्ययन कर रहे हैं, आपको बहुत सारे युवा ये भी जानना चाहते होंगे कि उनके लिए फिर क्या संदेश है, वो कौन सा सेक्टर है जहाँ पर उनके लिए कोई नए मौके बन रहे हैं, या आप किसी भी सेक्टर में नए मौके नहीं बन रहे हैं और उन्हें भी अब खुद को नौकरी छोड़कर मनरेगा या अन्य दूसरे असंगठित क्षेत्र के काम के लिए तैयार कर लेना चाहिए, जरूर 2019 के चुनाव के समय में पकौड़ा बेचने के लिए की बात का मजाक उड़ाया गया लेकिन अब वो हकीकत होता नजर आ रहा है। हमें उम्मीद करना चाहिए कि ऐसा ना हो, लेकिन लेकिन फ्यूचर कुछ बहुत ब्राइट नजर नहीं आ रहा, मुझे ना बहुत दिक्कतें नजर आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से युवा पीढ़ी को हमें यह कहना चाहिए कि थोड़ा संयम रखें, थोड़ा और वक्त लगेगा। इकोनॉमी का की हाल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, काफी बुरी है। अभी हमने जून वाले क्वार्टर में देखा है कि नया इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रहा है, कोई नया फैक्ट्री नहीं लगा रहा है, तो मनरेगा की नौकरी कब तक हमें संभाले रखेगी, उसमें कितना वेतन मिलता है, तो विशेष ऐसा वेतन भी नहीं मिलता है। तो सामने तो मुझे आते एक साल के लिए युवा के लिए दिक्कतें ही नजर आ रही हैं, तो बेहतर ये रहेगा कि वो ये देखें कि कैसे अपने स्किल्स को और मजबूत कर सकें और कैसे थोड़ा संयम रखें
ये अंधेरा बहुत ज्यादा देर तक तो नहीं चल सकता, कहीं ना कहीं जाकर के तो उजाला दिखेगा ही। फिलहाल तो अपने स्किल्स को मजबूत करें, अपनी पढ़ाई जरा और मजबूत करें, संयम रखें, और हो सकता है 1.5-2 साल के अंदर फिर से उजाला आए। जी, एक और चीज हम जानना चाहते हैं कि अभी जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो स्थानीय चीजों को प्रमोट करने की बात कही गई है, उसमें आपको कितनी संभावना नजर आ रही है? ऐसा भी नहीं था कि स्थानीय चीजें बिक नहीं रही थी, उनका कारोबार ज्यादा नहीं था। एक ऐसे समय में जब डिमांड की क्षमता नहीं है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, जैसे अब वकील लोग ही हैं जो रोजाना कमा लेते थे, उनमें से कुछ अच्छा कमा लेते थे, उनकी कमाई बंद हो गई है, प्राइवेट टीचर की कमाई बंद हो गई है, जो इंश्योरेंस का और म्यूचुअल फंड बेचा करते थे उनकी कमाई बंद हो गई है, तो रोज महीने में कोई 50,000 कमाने वालों का जो तबका था, जो खर्च करता था, वो उसका मनोबल इस वक्त तो टूटा हुआ है, वो जरूरी चीजें ही खरीद रहा है। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा इसमें टर्न अराउंड करने की क्षमता है इस सेक्टर में? अपने आप तो कोई टर्न अराउंड होने वाला नहीं है, कोई मार्केट फोर्सेस प्ले नहीं कर रही है जो कि इस टर्न अराउंड को अपने आप कर ले। जरूरी बनता है कि सरकार को ही कदम उठाने पड़ेंगे कि डिमांड दोबारा क्रिएट करें। जो मनरेगा में एक्सपेंडिचर हो रहा है उससे कुछ डिमांड तो क्रिएट होगी, रूरल सेक्टर में डिमांड क्रिएट होगी, और उसके चलते कुछ सेक्टर्स में FMCG सेक्टर्स जैसे हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर कुछ सेक्टर्स हैं, वहां पर कुछ ग्रोथ नजर आएगी। लेकिन ये काफी नहीं है और ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। केवल मनरेगा की सरकार को मीडियम टर्म स्कीम बनाना जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है कि केवल एक शॉर्ट टर्म मनरेगा में दिया वो तो ठीक है अभी के लिए, लेकिन आगे चल करके क्या हो। जो ग्रामीण कल्याण रोजगार योजना स्कीम है उसमें 50,000 करोड़ लगाने की बात है, लेकिन वो तो फ्रंट लोडिंग ऑफ एक्सपेंसेस है, अक्टूबर के बाद क्या हो, फिर सरकार के पास पैसा नहीं होगा। तो एक मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म प्लान सरकार को ही बनाना पड़ेगा, ये मार्केट फोर्सेस से तो ठीक नहीं होने वाला है, बहुत ज्यादा देर लग जाएगी, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महेश व्यास जी रोजगार पर बात करने के लिए हमसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद बात करेंगे कानपुर के विकास दुबे की। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे के मामले में अभी क्या प्रगति हुई है? जैसे जैसे पुलिस विकास दुबे के राज को बाहर करने में जुट रही है, आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पुलिस के भी राज बाहर आते जा रहे हैं। एक पत्र सामने आया है डिप्टी SP देवेंद्र मिश्रा का, जो उन्होंने 14 मार्च को अपने अधिकारियों को लिखा था कि विनय कुमार तिवारी नाम के थानाध्यक्ष ने विकास दुबे की मदद की है, उस पर लगे मुकदमों की धाराओं को कमजोर किया है, उसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, इसके बाद भी विकास दुबे के खिलाफ और विनय कुमार तिवारी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं होती है। यूपी पुलिस के पूर्व प्रमुख जावेद अहमद ने स्क्रोल वेबसाइट में एक आर्टिकल लिखा है और उसमें सवाल उठाया है कि जब विकास दुबे को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला के मामले में गवाहों के बगैर मुकर जाने के बाद बरी किया गया, तब फिर जिलाधिकारी ने उस मामले में ऊंची अदालत में अपील क्यों नहीं की? वो जिलाधिकारी कौन थे और उन्होंने एक ऐसे अपराधी के बारे में इस तरह का फैसला किस आधार पर लिया, इसका जवाब भी आना चाहिए। लेकिन इसी बीच 2017 का एक वीडियो सामने आया है, ये वीडियो विकास दुबे का है और STF पूछताछ कर रही है, और वीडियो में विकास दुबे बता रहा है कि वो उसके किन किन लोगों से संबंध हैं और जिस मामले में पूछताछ हो रही है उसमें किन किन लोगों ने मदद की है। विकास दुबे प्रधान और जिला पंचायत के अध्यक्ष के अलावा BJP के 2 विधायकों का भी नाम लेता है, भगवती सागर
और अभिजीत सिंह सांगा। इन दोनों विधायकों के बारे में विकास दुबे कहता है कि फोन पर इनसे बात होती रही है और आपस में आना जाना रहा है। इन दोनों विधायकों ने कहा है कि यह गलत है, वो अपराधी है, उसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कॉल डिटेल की जांच कर लेनी चाहिए। आप जानते हैं कि इस दुनिया के लोग, अपराध की दुनिया के लोग, एक सिम का हमेशा इस्तेमाल नहीं करते। कई बार वो एक सिम का इस्तेमाल एक ही बार के लिए करते हैं। तो इतना आसान नहीं है कॉल डिटेल का तुरंत पता कर लेना। वैसे उसी वक्त पुलिस को करना चाहिए था, एसटीएफ को करना चाहिए था, और अब ये एसटीएफ को जवाब देना पड़ेगा कि जब विकास दुबे ने इन दो विधायकों के नाम लिए थे तब इस मामले में क्या जांच हुई थी और उस जांच में क्या प्रगति हुई थी। कमाल खान की रिपोर्ट। 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद अब तो विकास की कोठी भी ढहा दी गई और उस पर 2.5 लाख के इनाम का ऐलान भी हो गया। लेकिन पिछले 30 सालों से वो सत्ता और खाकी के संरक्षण में इतना बड़ा माफिया बन गया। एक इंटरोगेशन में वो कानपुर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा और भगवती सागर को मददगार होने का दावा करता है। पुलिस का सवाल था कि उसके मुकदमे में जो गवाह एफिडेविट देकर मुकर रहे हैं उसमें किसने मदद की। जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक सांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2-3-4-5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने में ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है, अगर ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था उन्हें करना। कानपुर में बिठूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी एमएलए अभिजीत सिंह सांगा विकास से सख्त नाराज हैं। उनका कहना है कि 2017 में एसटीएफ ने ये पूछताछ की थी, अगर इसमें जरा भी सच्चाई होती तो एसटीएफ उनसे खुद पूछती। ये एक सोची समझी उसकी जो एक नियत रहती है हमेशा सत्ता का संरक्षण प्रदर्शित करने की। मैं इस पूरे अपने वकील से मैंने राय ली है, मैं विधिक कार्रवाई इसके ऊपर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा करके ऐसी एक मिसाल पेश करूंगा जिससे भविष्य में ऐसी जो ये साजिश रचता है साजिश न रच पाए। कानपुर के बिल्हौर से बीजेपी एमएलए भगवती प्रसाद सागर कहते हैं कि वो तो उनका दुश्मन है, उनके चुनाव में भी उनके खिलाफ बीएसपी उम्मीदवार के समर्थन में वोटर्स को आतंकित करता रहा है, वो उसकी मदद क्यों करेंगे? कोई सुन नहीं रहा कि फर्जी है। अरे कोई बात, ये तो वैज्ञानिक युद्ध भाई, कॉल डिटेल निकलवा दीजिए, यूपी के किसी अधिकारी से पूछिए, यहाँ से प्रदेश जिले से लेकर प्रदेश तक का किसी अधिकारी से पूछिए कि कहने में उसके फेवर में मैंने कभी फोन किया, उससे कभी मेरी मुलाकात हुई, उससे कभी फेवर में मैंने बात की, अपने आप आ जाएगा। अगर ये प्रूफ हो जाए कि मैंने उसके फेवर किया तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए मुझे। ये सच हो सकता है कि कोई अपराधी पुलिस पे दबाव बनाने के लिए सत्ताधारी बड़े बड़े लोगों का नाम इस्तेमाल करे, लेकिन ये भी सच है कि बिना पुलिस और सत्ता की मदद के विकास जैसा शख्स 60-60 अपराधों का मुल्जिम होने के बाद इस तरह खुला नहीं घूम सकता था। कानपुर में साहिब आलम अरुण अग्रवाल, और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।